is used to store electric field or electrical energy. दूसरा उसका फंक्शन क्या है कि रेक्टिफायर सर्किट, रेक्टिफायर सर्किट जो है पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। अगर इसको मैं फिल्टर सर्किट से पास करूं, इस फिल्टर सर्किट के अंदर होता है कैपेसिटर, तो ये इसकी पल्सेशन रिमूव कर देता है और कांस्टेंट डीसी वोल्टेज। यानी ये जो रिपल आ रहे हैं ना, ये यहां से अप डाउन फिर अप टू डाउन, ये रिपल रिमूव कर देता है और फिर इसको कांस्टेंट डीसी वोल्टेज देता। ये क्लियर? फिर तो इसका हम क्या लिखेंगे कि यूज्ड इन रेक्टिफायर एज फिल्टर, इट इज, मैं लिख पा रहा हूं उसको, अब देखो लिख लो, इट इज यूज इन फिल्टर सर्किट, सर्किट सर्किट टू रिमूव रिपल इन द आउटपुट ऑफ सर। ये क्या लिखा है? इट इज यूज्ड इन फिल्टर, फिल्टर सर्किट। हाँ फिल्टर सर्किट, वो जो रिपल्स नहीं निकालते एसी सर्किट में से, एसी जो सर्किट रिमूव रिपल इन द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर सर्किट एंड प्रोड्यूस स्मूथ डीसी वोल्टेज। तीसरा फंक्शन रेडियो ट्यूनिंग सर्किट में भी यूज होता है, इट इज यूज इन रेडियो ट्यूनिंग सर्किट। रेडियो ट्यूनिंग सर्किट, ट्यूनिंग की स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने, टी यू एन आई एन, ट्यूनिंग सर। और आखिरी कॉल लिख लो, ऑसिलेटर सर्किट। इट इज यूज इन ऑसिलेटर सर्किट। प्रोड्यूस वेरिंग वोल्टेज।
वेरिंग वोल्टेज वो जो भी कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है। कॉपी कर लिया जी सर? ओके आ जाए आप क्वेश्चन पे। डिफाइन कैपेसिटेंस, कैपेसिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक करंट, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर चार्ज और एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज और एनर्जी। जी सर लिख लिया। वन यूज ऑफ कैपेसिटर फॉर द स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक्सप्लेन हाउ इट स्टोर एनर्जी। देखो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे स्टोर करता है, जब प्लेट्स बैटरी से कनेक्ट होते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है यहाँ नेगेटिव, तो इसके नतीजे में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है जिसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी भी स्टोर। तो ऑन करेक्टिंग प्लेट ऑफ कैपेसिटर विद टर्मिनल ऑफ बैटरी ऑपोजिट चार्ज डेवलप ऑन प्लेट वो इलेक्ट्रिक फील्ड is from positive to negative. So it stores electric field or energy. Electric field or
निकल गया। यस सर, हो गया सर। कैलकुलेट द चेंज इन द एनर्जी फ्लो ऑफ कैपेसिटेंस। एनर्जी स्टोर वाला मैंने कराया था शाम कल, यहाँ से एनर्जी स्टोर नहीं कराया? नहीं सर, वो नहीं कराया। एक बार चलो फिर मैं छोटा सा टॉपिक है बता दूं, साथ में ये क्वेश्चन कर लेते हैं। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर क्या होता है? Q प्रोपोर्शनल V होता है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो यूं बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा सर। ये इसका एरिया किसके बराबर होगा? फ्रॉम ग्राफ सी के, फ्रॉम ग्राफ एरिया अंडर लाइन, एरिया अंडर लाइन किसके बराबर होगा? हाफ क्यू वी के। ट्रायंगल का फार्मूला यही होता है ना जी सर? पहले मैं बता दूं, हाफ बेस हाइट होता है, हाफ बेस हाइट। यहाँ पे बेस क्या है? बी। हाइट क्या है? परपेंडिकुलर क्यू, बी क्यू कॉमन रेज करके यू भी लिख सकते हैं, हाफ क्यू बी। ठीक है सर, लेकिन वी या एनर्जी याद होगा, एनर्जी इज इक्वल टू क्यू, अब यूं लिखू मैं, V इक्वल टू एनर्जी ओवर चार्ज, जिसको मैं यू भी लिख सकता हूं, एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज Q होगा और वोल्टेज V। एनर्जी E होगी, चार्ज क्यू होगा, यह चला जाएगा तो क्यू भी होगा। ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन वन में, पुट वैल्यू इन इक्वेशन वन, एरिया अंडर ग्राफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एनर्जी, एनर्जी होगा ना, तो मतलब एरिया अंदर द ग्राफ एनर्जी, तो वी कैन से दैट
एनर्जी स्टोर कितनी होगी कैपेसिटर के अंदर, हाफ क्यू होगी। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ है वो किसके बराबर होगी, हाफ क्यू होगी। एनर्जी ई ही है, एरिया अंडर द ग्राफ बेसिकली एनर्जी है, तो एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर इज हाफ क्यू बी। सही है, यहां तक क्लियर? जी सर। अच्छा, इस फार्मूले को मजीद मॉडिफाई कर ले हम, क्यू किसके बराबर है, क्यू किसके बराबर है, सीवी के वैल्यू पुट कर दूंगा इक्वेशन टू में। इक्वेशन टू में जब मैं पुट करूंगा एनर्जी स्टोर इक्वल्स टू हाफ क्यू की जगह आ जाएगा सी बी, और ये बी हो जाएगा हाफ सी बी। ये दूसरा फार्मूला आ गया। सही है, आगे बढ़ो। हाँ सर, आगे बढ़े। अच्छा, तीसरा फार्मूला एक और, बट क्यू बराबर है सी वी के, तो वी बराबर होगा किसके, क्यू अपॉन सी के। हाँ, वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर टू में दोबारा। Put value in equation 2. So equation number 2, this implies energy stored half Q और V की जगह आ जाएगा Q upon C, हो जाएगा Q square, Q into Q, Q square upon 2. गया जी सर। ये बड़ो भाई जी। ओके,
आवे बच्चों, अब ये क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1200 माइक्रोफैराड, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ है 50 वोल्ट से 15 वोल्ट, तो एनर्जी चेंज कैसे निकलेगा? एनर्जी चेंज निकलेगा हाफ सी वी वन स्क्वायर माइनस हाफ सी वी टू स्क्वायर, मैं इधर हाफ सी कॉमन ले लूं, अंदर बचेगा वी वन स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू पता है आपको, हाफ सी की वैल्यू कितनी है 1200 माइक्रोफैराड, 1210 पावर माइनस सिक्स, और वी वन स्क्वायर कितना है 50, वी टू है 15, 50 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, यार ये सर 1.365 एक्सपोनेंट, ये वैल्यू आ रही है बस, आ रही सही है, तो राउंड ऑफ कर दोगे तो 1.4 ठीक है सर। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, एक टॉपिक इसमें निकल कर आ रहा है, वैसे तो थ्योरी में नहीं गिवन है, मैं वैसे करा देता हूँ ठीक है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, एडिंग डाल लो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, देखो ये एक बैटरी है, ये इसके दो स्विच है, यहाँ पे ये कैपेसिटर है, यहाँ पे ये रेजिस्टर आर है,
ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। अगर ये पॉइंट ओ जो है ये ए से कनेक्ट हो जाए तो बैटरी से करंट जो है इस डायरेक्शन में यू फ्लो। इसके नतीजे में कैपेसिटर चार्ज होगा, नतीजे में कैपेसिटर क्या होगा? इसके बारे में पॉइंट वाइज लिख ले। नंबर वन, नॉन कनेक्टिंग स्विच पॉइंट ओ टू ए करंट फ्लो इन डायरेक्शन शो। एज अ रिजल्ट द कैपेसिटर चार्ज जी सर। तो ग्राफ ठीक है भाई आसिफ सला नहीं है वो लोग। अच्छा जी, ग्राफिकली इसको कैसे बना सकते हैं भैया? ग्राफिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो चार्ज होता है ये एज अ टाइम होता है। तो यहाँ इस वक्त जो चार्ज आ रहा होता है ना, ये क्यू नॉट होता है। जिसे हम मैक्सिमम चार्ज भी कहते हैं। ये वापस समझा देते हैं। देखो जब चार्ज होता है तो कैपेसिटर एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है। पहले मिनिमम होता है, बढ़ना शुरू होता है, बढ़ता है और इतना फुल हो जाता है। उसके बाद आप कितने, उसके बाद आप कितना भी बढ़ा दो वो नहीं बढ़ेगा। इस अमाउंट में जितना भी चार्ज आता है वो क्यू नॉट होता है, मैक्सिमम चार्ज। सही, नीचे टाइम क्यू अगेंस्ट टी है। हाँ टाइम है। ठीक है सर। अच्छा भाई जी सर, इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हो? मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस एज
चार्ज एट एनी टाइम बराबर है क्यू नॉट रखते हो चार्ज ई प्लस टी ओवर आर सी में क्यू टी जो है इसका मतलब है चार्ज एट एनी Q नॉट क्या है मैक्सिमम चार्ज है T फॉर टाइम इंटरवल है R फॉर रेजिस्टेंस है ये E की पावर T अपॉन आर सी है हाँ ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है फॉर कैपेसिटर कर लिया जी सर अच्छा जी अब अगर जैसे ही मैं स्विच ओ को मैं बी से मिलाऊंगा तो फिर करंट फ्लो हो जाएगा शुरू हो जाएगा ये क्योंकि जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा और इसके नतीजे में कैपेसिटर क्या होगा डिस्चार्ज होगा क्या हो रहा होगा कैपेसिटर ठीक है नेक्स्ट पॉइंट लिख लो ऑन कनेक्टिंग Point O to B, the capacitor discharge सर ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये कैपेसिटर के ऊपर बन रहा है हाँ कैपेसिटर का टर्मिनल होंगे ना सर ये वैसे डिस्चार्ज कैसे हो रही है जो अब जब इसने जितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर लिया आप जब इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो रेजिस्टर के जरिए सारा चार्ज रेजिस्टर पे छोड़ देगा रेजिस्टर चार्ज को कंज्यूम कर देगा सर तो अगर हम इसको डायरेक्टली पहले बी से कनेक्ट कर दें तो फिर ये डिस्चार्ज होगा क्या डिस्चार्ज होने के लिए इसके बाद चार्ज तो होना चाहिए ना बैटरी से चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज करेगा चार्ज ही नहीं होगा तो डिस्चार्ज क्या करेगा खाली गिलास से उल्टा भी कर दो तो क्या गिरेगा कुछ भी नहीं गिरेगा इसको हम ग्राफिकली कैसे बनाऊंगा मैं क्यू है ये टी है ये एक्सपोनेंशियली करता है
यहाँ पे जो वैल्यू होती है इसकी, ये क्यू नॉट होती है, और यहाँ पर मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा, छोटा सा फर्क आएगा, क्यू टी क्यू नॉट E माइनस टी अपॉन आर, चार्ज जो मेरा पढ़ रहा था यहाँ कम हो रहा है तो माइनस आएगा। ठीक है सर जी, इसके बाद एडिंग डालो टाइम कॉन्स्टेंट, टाइम कॉन्स्टेंट वो टाइम इंटरवल को कहते हैं जिसमें कैपेसिटर चार्ज होता है या डिस्चार्ज होता है, यानी कि टाइम टू चार्ज और डिस्चार्ज कैपेसिटर फॉर टाइम कॉन्स्टेंट। मैथमेटिकली इसकी वैल्यू क्या होगी, आर फॉर रेजिस्टेंस सी फॉर ठीक है, टी इज इक्वल टू आर सी, ठीक है।